कलयुग की एक बहुत बड़ी विशेषता है, हमारे यहाँ चार युग है, सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है और कलयुग है। सतयुग की प्रधानता है, सतयुग में तपस्या है, त्रेता में यज्ञ है, द्वापर में सेवा पूजा है, लेकिन कलयुग में न यज्ञ है, न कलयुग में तप है, न सेवा पूजा है। कलयुग में एकमात्र जो कोई काम व्यक्ति कर सकता है वो भगवान नाम है। आपको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, अन्य आप कुछ करो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि केवल भगवत चिंतन आप करते हैं तो वो भगवत चिंतन भी आपका कल्याण करता है। इस कलयुग में भागवत का ऐसा सिद्धांत कहता है, तब आप लोग कर नहीं सकते हो, तब के नाम पर हमें यहां पर 3 घंटे यदि बैठना पड़े तो वो 3 घंटे बैठना भी हमारे लिए असंभव सा होता है। मैं आपसे पूछूंगा नहीं, लेकिन मुझे पता है आप हाँ नहीं करोगे, लेकिन ये सत्य है, 3 घंटे यहां पर बैठना भी हमारे लिए असंभव सा होता है। तो तब हमसे हो नहीं सकता है। हमारे ऋषि हजारों हजारों वर्ष एक ही आसन पर बैठे रहते थे और शरीर बिल्कुल सूख करके कांटा हो जाता था, हड्डी मात्र रह जाती थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी साधना नहीं छूटती। हम यहां 3 घंटे के लिए भी बैठने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं, तो वो तब भी हमारे जीवन से रहा नहीं है। यज्ञ भी हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यज्ञ के जो नियम है वो हमसे आज पालन हो नहीं सकते, तो यज्ञ भी हमारे लिए असंभव सा है। तो एक ही बात हमारे जीवन में बसती है, ना हम तप कर सकते हैं, ना यज्ञ कर सकते हैं। एक काम हमसे सहजता से हो सकता है, हम भगवान नाम जरूर सहजता से ले सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज भगवान नाम लेना भी हमारे लिए असंभव सा है। बाकी बात करने के लिए आप बैठ जाओ तो पता चलता कि रात रात गुजर गई, बात करने में रात का पता नहीं चलता है, लेकिन भगवान नाम लेने के लिए बैठा जाए तो सबसे पहले नींद आ जाती है। कलयुग का यह गुण देख करके नारद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति महारानी श्री परीक्षित जी ने कलयुग को यहां पर वास दिया है। बाबा तुलसी ने भी लिखा है, यही कलि काल न साधन जो दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमरिय गाइये रामई, संतत सुनिए राम गुण ग्रामही। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इतनी सरलता इतनी सहजता इस किसी अन्य युग में नहीं है जितनी इस कलयुग में है। केवल हम लोग भगवत चिंतन करें उतने से ही हमारा कल्याण हो सकता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम आज भगवत चिंतन करने के लिए भी तैयार नहीं। नारद जी कहते हैं कि देवी कलयुग तो आ चुका है, अब वो दूर तो हो नहीं सकता है, लेकिन एक सूत्र में तुम्हें बताता हूं, इस सूत्र को तुम जीवन में धारण करो तो तुम्हारे दुख चले जाएंगे। क्या सूत्र है वो? श्री कृष्ण चरणाम्बुजम स्मर दुखम गमिष्यते। भगवान कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, और जब भगवान कृष्ण के चरणों का आप ध्यान करोगे तो आपके जो दुख हैं वो दुख चले जाएंगे। जीवन में जब भी दुख आए परमात्मा चिंतन करते रहना, और जब आप परमात्मा चिंतन करते रहोगे तो दुख आपके जीवन में आ नहीं सकते हैं, और दुख आ भी जाए तो बहुत जल्द देर तक वो ठहरता नहीं है, बहुत जल्दी चला जाता है, और होता भी है तो फिर हमें बहुत ज्यादा वो प्रभावित नहीं करता।